सब्सक्राइब करो ऑनिक्स एक्सपेरिमेंट चैनल को और पास में बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट जरूर करो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मेरा नाम ऑनिक्स, ऑनिक्स एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस घड़ी से दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है हम इस घड़ी को सोलर पैनल से चलाने की कोशिश करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट में हम इसको बहुत हाई वोल्टेज करंट से चलाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं घड़ी से घड़ी का बैटरी निकाल लेता हूँ। पहले हम एक सोलर पैनल से देखेंगे क्या ये चलता है, फिर नहीं चले तो फिर हम दो सोलर पैनल सीरीज में लगाकर इसको चलाने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूँ दोनों दोनों सोलर पैनल से है 4 वोल्ट, कितने एम्पियर का मुझे नहीं पता। तो मैं सोलर पैनल का पॉजिटिव और घड़ी का पॉजिटिव और नेगेटिव मैं एक साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो भाई दोस्तों मैं इस दोनों तार को इधर सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर देता हूँ और इधर मैं एक जैसे ये रुका रहे इसके लिए ये बैटरी मैं उल्टा करके इधर लगा देता हूँ उल्टा साइड, जिससे कि ये पावर ना ले पाए कुछ इस तरीके से। देखो घड़ी नहीं चल रहा है क्योंकि मैं इसको उल्टा लगाया हूँ बैटरी को। तो फिर अगर इस सोलर पैनल पे हम देते हैं रोशनी, तो फिर दोस्तों मैं इसमें देता हूँ पावर, इस टॉर्च से फुल पावर आ जाते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इससे मैंने फ़ोन भी चार्ज किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखा हो तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल इससे ये घड़ी नहीं चल रहा है इस सोलर एक सोलर पैनल से। तो फिर देखो एक सोलर पैनल से घड़ी नहीं चल रहा है, तो फिर इस सोलर पैनल को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर इस सोलर पैनल को मैं इससे पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि दोनों ही 4 वोल्ट का है, इसमें वोल्टेज का कोई माजरा नहीं है, इसमें सिर्फ एम्पियर का ही माजरा है। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए आपको करना है कि ये जो लाल वायर है दोनों का लाल वायर आपको एक साथ कनेक्ट कर देना है और दोनों का ब्लैक वायर, इसका ब्लैक और इसका ग्रीन, ग्रीन जो कि इसका नेगेटिव और ब्लैक जो कि इस सोलर पैनल का नेगेटिव, इसको एक साथ कनेक्ट कर देना है। फिर आपको सोल्डिंग आयरन से थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर देना है। तो फिर मैं फिर से इसको इधर फिक्स करता हूँ। अभी दोस्तों इस दोनों को एक साथ कनेक्ट करने के बाद देखते हैं एक घड़ी चल पाता है या नहीं। तो फिर इसको उल्टा करते हैं तो फिर देखते हैं ये चलता है या नहीं। थोड़ा सा और ब्राइटनेस करते हैं। नहीं दोस्तों सोलर पैनल में एम्पियर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए ये घड़ी नहीं चल पा रहा है। बढ़ते हैं अपना सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट की तरफ। सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट ये है कि हम इसको डायरेक्ट बिजली से चलाएंगे तो भी देखते हैं घड़ी चलता है या नहीं। दोस्तों मैं तो मजाक कर रहा था, बिजली से चलाने पे तो आप सभी को पता है ये घड़ी खराब ही हो जाएगा, इसीलिए हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे इस यूएसबी केबल से, जिसके लिए मैं इस यूएसबी केबल को इधर दो प्लग में इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, जिसमें कि इस दोनों में 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो फिर मैं यूएसबी केबल को प्लग में कनेक्ट करता हूँ और फिर इसमें मैं आपको मोटर भी चला कर दिखा देता हूँ। देखो मोटर चल रहा है इसमें से, विश्वास हुआ आपको कि इसमें 5 वोल्ट सप्लाई है। तो भी देखते हैं इससे क्या घड़ी चलता है या नहीं। तो भी दोस्तों मैं इसका कनेक्शन ठीक कर लिया हूँ। देखो अगर हम इसको इधर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव में लगाते हैं तो भी देखो घड़ी चल पड़ा। तो फिर अब इसको हम यूएसबी प्लग में कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर यूएसबी प्लग कनेक्ट इन 3, 2 एंड 1, कुछ नहीं हुआ पहले, कुछ नहीं है। थोड़ा उल्टा करके देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। एक किया इधर कनेक्ट, एक किया इधर, फिर भी नहीं चल पा रहा है। तो भी दोस्तों आप लगता है ये चल पाएगा घड़ी, वो घड़ी चल रहा है फिर घड़ी उल्टा चल गया। आप देखे होंगे, देखो घड़ी कैसा काँप रहा है, घड़ी तो उल्टा चल रहा है, ये क्या हो रहा है, लगता है घड़ी खराब हो गया। मैं ज़्यादा देर नहीं रखूँगा,
तो फिर आज की इस वीडियो में आपने देखा कि क्या होता है एक गाड़ी को हाई वोल्टेज से चलाने के बाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना।